अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस एम महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चैलेंज टेस्ट दिया था, क्योंकि हमने HTML फंडामेंटल्स कंप्लीट कर ली हैं, तो ये उसका चैलेंज टेस्ट था। इस वीडियो में हम मिलके इसे कंप्लीट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं कोड एडिटर ओपन कर लूंगा और यहाँ पर एक्सप्लोरर को ओपन कर लूंगा। यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारे पास करंट जो फोल्डर है, इसमें मैं एक न्यू फोल्डर बना लूंगा, HTML फंडामेंटल्स टेस्ट सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक फाइल बना लूंगा, index.html। इसमें हम सारा बेसिकली इसमें और इसके साथ जो फाइलें बनेंगी उनमें हम काम करेंगे। मैं इस फाइल को कॉपी कर लूंगा, कॉपी पाथ, और यहाँ पर ओपन कर लूंगा क्रोम में। ओके, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैं साइड बार को क्लैप्स कर लूंगा और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक HTML इंट्रोड्यूस करवा देंगे और फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास था वेलकम टू आवर ब्लॉग, ये एज अ हेडिंग ऐड करना था। यहाँ पे ऐड हो गया, तो मैं इसे इधर ही कंटिन्यू कर लूंगा ताकि ये बार बार फाइल ही ओपन ना होती रहे। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इसे एज अ टाइटल भी ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर H1 भी, इसे एज अ H1 भी ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैंने कहा था मुझे इस पेज पे नेविगेशन लिंक्स रिक्वायर है। नेविगेशन लिंक्स हमने स्टडी किया था कि हेडर में इंक्लूड होंगे, हेडर हमारा टॉप पे आता है हेडर, और उसमें नेव हमारे पास एक, हमने स्टडी किया था कि हमारे पास नेव एक सिमेंटिक टैग होता है, रैपिंग टैग, जिसमें कि हम साइट के नेविगेशन लिंक्स को ऐड करते हैं। ये ऐड किया और इसमें हम ए टैग को यूज करके हुए एंकर टैग को उसके HREF एट्रीब्यूट के थ्रू हम एक लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कितने लिंक आएंगे, तीन लिंक, एक पोस्ट लिस्ट व्यू, फिर ऐड पोस्ट एंड कॉन्टेक्ट अस। मैं ये तीनों ऐड कर दूंगा। पोस्ट, मैं इसको पोस्ट का नाम दे दूंगा और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लूंगा, पोस्ट लिस्ट view.html। इसे मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर HTML, बेसिक जो HTML है उसको ऐड कर दूंगा, पोस्ट लिस्ट व्यू। इसे सेव कर दूंगा और यहाँ पर स्लैश ये उस फाइल तक ले जाऊंगा। नेक्स्ट इसे कॉपी पेस्ट करूंगा दो दफा, और दो हमारे जो और लिंक थे मैं साइड बाय को कोलैप्स कर लूंगा। दो हमारे पास जो और लिंक्स हैं उनमें से एक है ऐड पोस्ट और एक है कॉन्टेक्ट अस, मैं इन दोनों को भी ऐड कर लूंगा, ऐड पोस्ट और एक है कॉन्टेक्ट अस। इन दोनों के अब मैं पेजेस भी क्रिएट कर लूंगा। यहां पर आऊंगा और यहां पे मैं एक पेज क्रिएट कर लूंगा, ऐड पोस्ट डॉट HTML, और एक मैं यहां पर HTML डमी क्रिएट कर लूंगा, ऐड पोस्ट, और सेम चीज मैं कॉपी करके इसी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लूंगा और कह दूंगा कॉन्टेक्ट अस। इसे कॉपी कर लूंगा, यहां पर इसे टाइप कर लूंगा। ओके, और हर एक पेज में एक हेडिंग में अभी के लिए ऐड कर दूंगा जो हमने उसका टाइटल ऐड किया, ताकि हम इजीली देख सकें H1, और यहां पर हमने ये ऐड कर दिया। पोस्ट में भी देख लेते हैं, यहां पे भी ऐड कर देते हैं H1, H1, ओके, सेव। और हर एक पेज में हमें टॉप पे, क्योंकि नेविगेशन बार चाहिए होती है, तो वो चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, वो मैं हर पेज के शुरू में ऐड कर दूँगा, ताकि हम हर पेज में नेविगेट कर सकें एक पेज से दूसरे पेज तक। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एक होम का लिंक, इंडेक्स में, और इंडेक्स में बेसिकली ये होम का लिंक नहीं आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी इंडेक्स डॉट HTML पर हैं। जिस पेज पे हम होंगे उस पेज का लिंक नेविगेशन में नहीं होगा, बाकी पेजेस का लिंक होगा। ये थोड़ा सा कहने के UI पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छी बात है, क्योंकि एक पेज पे हम ऑलरेडी हैं तो हमने अब दूसरे किसी और पेज पे जाना है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा और ऐड पोस्ट में इसे ऐड कर दूंगा। यहाँ से ऐड पोस्ट को रिमूव कर दूंगा, सेव। कॉन्टैक्ट में इसे ऐड कर दूंगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट को रिमूव कर दूंगा, सेव। लिस्ट में इसे ऐड कर दूंगा, यहाँ से लिस्ट को रिमूव कर दूंगा और सेव।
इसी के साथ अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर नेविगेशन लिंक्स भी आ रहे हैं और नीचे ये भी आ रहा है। मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं पोस्ट व्यू पे आ जाता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ और ये लिंक्ड नहीं है, यहाँ पे मुझे लिंक इसका क्रैक करना पड़ेगा। अभी सभी जो है एक को ही पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एड पोस्ट पे जाना है और यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, और इन दो चीज़ों को अब मैं कॉपी कर लेता हूँ बाकी में ये, और इसे रिमूव, और यहाँ पर भी यही चीज़, और यहाँ पर बेसिकली ये जो फर्स्ट है ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर आना था, होम ये चीज़ जिसमें भी यहाँ पर थोड़ी हुई है, यहाँ पर होम आना, ओके होम ऐड, और यहाँ पर बेसिकली ये जाएगा ऐड पोस्ट, और कॉन्टेक्ट अस में यहाँ पर ये जाएगा ये ओके है, यहाँ पर ये जाएगा ऐड पोस्ट, ओके। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, होम पर लेके चले, होम पे आ गया, पोस्ट पे वापिस, पोस्ट पे आ गया, ऐड पोस्ट पे आ गया, वहां से पोस्ट, पोस्ट पे चला गया, कॉन्टेक्ट अस पे आ गया, ऐड पोस्ट पे आ गया, मैं वापिस होम पर आ गया, वहां से कॉन्टेक्ट अस, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो नेविगेशन है वो प्रॉपरली काम कर रही है। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट से, इसे मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, और जो हमारा ये है पॉइंट इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर, इसे थोड़ा मैं क्लैप्स कर दूंगा, ओके। और ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है, और ये पॉइंट मेनली जो नेविगेशन लिंक्स ऐड करने वाला है ये कवर कर लिया है, इस नेविगेशन लिंक को ऐड कर लिया है, ये इंटरनल होगा एक्शंस में, इस नेविगेशन लिंक को ऐड कर लिया है और इस नेविगेशन लिंक को ऐड कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट के पेज से, मैं इस पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ से भी मैं पोस्ट के पेज पे आ जाता हूँ, ओके। यहाँ पर हमें क्या चीज़ रिक्वायर है, हमें एक टेबल रिक्वायर है जिसमें ये जो है हेडर सेल के टाइटल होंगे और उनमें नीचे मैं उनके रिस्पेक्टिव जो डाटा वो शो करवा रहा होगा, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और एज अ शॉर्ट चैलेंज कंप्लीट करें, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसे मिलके कंटिन्यू करेंगे, मैं यहाँ से इन सब को यहाँ से कॉपी कर लूँगा टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पर आके सबसे पहले ये जो हेडिंग्स है ये सेक्शन टैग में मूव होगी, ये सेक्शन टैग में मूव होगी, और आप इस सेक्शन टैग में हमारे पास एक टेबल आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, उसमें टी हेड आ जाएगा, उसमें टी आर आ जाएगा, और उसमें भी ये सारा मैं पेस्ट करके इसमें से ये सारा जो है इसको रिमूव कर दूंगा, और हर एक के पहले टी एच को स्टार्ट करूंगा और इस चीज को सिलेक्ट करके एंड पे मूव कर दूंगा। ये काम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसको भी मैं यहां से कट करके टी हेड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसमें पेस्ट कर दूंगा और सेव करूंगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा अलाइन हो चुका है और बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर टी बॉडी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और डमी डाटा इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। मैंने टी बॉडी, टी आर, और इसमें अब मुझे टी डी इंट्रोड्यूस करवाना है, मैं इसके लिए एक टी डी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसके लिए, और यहाँ तक इन सब के लिए एक एक टी डी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक्शंस के लिए मैं तीन टेबल डाटा सेल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इसको विड्थ को एडजस्ट कर दूंगा कॉल स्पैन का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करते हुए। यहाँ पर मैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 एक्स्ट्रा 9, 10 इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक हमारे पास ऐड है, कॉपी पेस्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐड हो गए। आईडी मैंने 1 कह दी, यहाँ पे पोस्ट टाइटल जो था उसको पोस्ट 1 कह दिया, यहाँ पे पोस्ट 1 डिस्क्रिप्शन कह दिया, उसके बाद मैंने इमेज यहाँ पर अभी के लिए zions.com का मैंने URL दे दिया, उसके बाद क्रिएटेड एट मैंने यहाँ पे डेट दे दी, मैं यहाँ पे रैंडम डेट दे देता हूँ और 2021 कह देता हूँ। यहाँ पर मैं इज एक्टिव को यस कह देता हूँ, स्टेटस को पब्लिश्ड कह देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं व्यू, और इसको एज अ बटन मैं यहाँ पर करूँगा, बटन व्यू बटन एडिट, और एक बटन का टैग लगा के डिलीट। यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखते हैं
एक चीज जो हमारी रह गई है वो ये है कि इस एक्शन को कॉल स्पैन देना है ताकि ये इन तीनों के इक्वल विड्थ को एडजस्ट करें, और उसके अलावा हमने इस टेबल को एक एट्रीब्यूट देना है जिसकी वजह से हमें जो इसके जो यू आई है वो इम्प्रूव हो जाएगी और हमें हर एक सेल इंडिविजुअली नजर आएगा। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, टेबल को हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट देंगे 1, ये यू आई इम्प्रूव हो गई, और लास्टली हम इसे एक कॉल स्पैन दे के इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, कॉल स्पैन 3, सेव रिफ्रेश, और यहां पर हमारी ये यू आई एडजस्ट हो चुकी है। मैं इसे 2-3 दफा रिपीट कर दूंगा और अभी के लिए डमी डाटा को एज इट इज ही रहने दूंगा, रिफ्रेश, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल व्यू है वो कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो काम था वो ये था कि जो एडिट पेज है सेम एज एड पोस्ट पेज, वी विल नेविगेट यूजर टू दिस पेज फॉर एडिटिंग। अभी के लिए मैं सिर्फ इसे एड पोस्ट पेज पे नेविगेट करवा दूंगा। यहां पे वापस आऊंगा और इस पे क्लिक करने पे मैं बेसिकली यहां पे, क्योंकि मुझे इसको लिंक बनाना है तो मैं इसमें एक एंकर टैग इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसको कि मैं लेके जाऊंगा एड पोस्ट, और यहां पर ये कर दूंगा रिफ्रेश, और एडिट पेज पे हम ये, सॉरी मैंने क्योंकि ये सिर्फ इस पे ऐड किया है तो ये सिर्फ इसी पे काम करेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड पेज पे ले जाएगा, मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा। मैं बाकी जो डमी डाटा है उसको रिमूव करूंगा और डमी डाटा बाकी रिमूव किया मैंने, सेव, पोस्ट पेज पे वापस आया। यहाँ पे एक चीज अभी जो एक मिस्टेक है वो ये है कि मैं अगर बटन पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता, हालांकि मैं चाहता हूँ कि पूरे बटन पे कहीं पे भी क्लिक करूँ तो वो वहां पे नेविगेट होना चाहिए। तो होपफुली आपने इसका सोल्यूशन सोच लिया होगा कि हम पूरे बटन को एंकर टैग में रैप करेंगे, जिस भी एलिमेंट पे आप चाहते हैं कि पूरे पे क्लिक होने पे वो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो एज अ चिल्ड्रन उसके अंदर आना चाहिए। यहाँ पर ये एंकर टैग इस पूरे बटन टैग को रैप करते हुए क्लोज होगा, रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये एक्शन पूरे बटन पे लग चुका होगा। ये उसका सोल्यूशन था, और इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, हमने ये ऐड कर दिया और इस एडिट पेज पोस्ट को हमने ऐड पोस्ट के पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। यहाँ पे हम एक सबसे पहले एक हेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद ये फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, यहां से मैं इस पेज पे इसे क्लोज किया और इस पेज को ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, इसे मूव करके यहाँ पर एक फॉर्म को क्रिएट कर लेता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ, नेम इसे दे देता हूँ पोस्ट क्रिएशन फॉर्म, ये किया, और यहाँ पर अब मैं बेसिकली हर एक इनपुट और लेबल को इंडिविजुअल डिव में रैप कर दूंगा ताकि वो इंडिविजुअल लाइन पर मुझे शो हो। मैं यहाँ पे एक डिव इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेबल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा फॉर पोस्ट टाइटल, यहाँ पे मैं कह दूंगा पोस्ट टाइटल, और इनपुट इंट्रोड्यूस करवा दूंगा टेक्स्ट की, सिंपल जो इनपुट है वो टेक्स्ट की होती है, और नाम दे दूंगा इसको टाइटल, और यहाँ पर आईडी दे दूंगा, ये भी मैं इसको सिर्फ टाइटल या पोस्ट टाइटल ही दे दूंगा जो मैंने ऊपर दे दिया, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट हो गया। इसको मैं यहां से अब कंटिन्यू करूंगा और बाकी ये जो सारी फील्ड्स हैं उनको ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, मैं एक दफ़ा आपको इसके गो थ्रू करवा दूंगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेबल ऐड किया है और नाम, यहाँ पर जो फॉर जो कि आईडी को कैच कर रहा है, आईडी को टारगेट कर रहा है, वो उसको दे दिया है पोस्ट टाइटल, यहाँ पे आईडी इसको इस इनपुट को दे दिया है पोस्ट टाइटल। इसको मैंने टाइप सिंपल टेक्स्ट दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था कि सिंपल टेक्स्ट देनी है, या आगे टाइप लिखी हुई है कि कौन कौन सी फाइल टाइप होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने वो काम कर दिया, प्लेस होल्डर ऐड कर दिया, रिक्वायर कर दिया वैलिडेशन के लिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए। इसी तरह ऑथर की ईमेल ऐड कर दी, उसमें ये सारा काम, यहाँ पे नेम रह गया जिसको मैं ऑथर कर दूंगा, ये चीज़ स्किप हो गई। इमेज
यहां पर वो प्रॉपर हो गई है, फाइल टाइप उसको सिलेक्ट कर दिया, स्टेटस के लिए सिलेक्ट ऐड कर दिया, रिक्वायर कर दिया, उसको सेट कर दिया, और उसके बाद क्रिएटेड ऐड उसके लिए हमने डेट टाइम को यूज कर लिया है, और फिर इज एक्टिव के लिए मैंने यहाँ पर मैंने एक न्यू एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करवाया है चेक्ड। ये बेसिकली एट्रीब्यूट यूज होता है अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स जो है वो चेक्ड हो। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर ये चेक्ड नहीं है। मैं यहाँ पे वो एट्रीब्यूट वापस लेके आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड है। यहाँ पे मैं डाटा एंटर करता हूँ, कोई भी डाटा सिलेक्ट करता हूँ और रीसेट करता हूँ, तो रीसेट की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। मैं सबमिट करता हूँ तो वैलिडेशन जो है वो काम कर रही है। मैं यहाँ पर वैलिडेशन प्रॉपरली वैलिडेशन यहाँ पर सारी काम कर रही है। मैं ईमेल ऐड करूंगा, वो ईमेल की जो डमी वैलिडेशन है वो काम करेगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा रह गया है कॉन्टैक्ट अस पेज। तो मैं यहाँ से ये हेडिंग कॉपी कर लूंगा और इसे क्लोज करके कॉन्टैक्ट अस पेज पे चला जाऊंगा। और यहाँ पे सबसे पहले ये ऑलरेडी ऐड है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन में मूव करूंगा, और नेक्स्ट ये हमने एक लिस्ट में ऐड करना है। तो इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और यहाँ पर एक एल आई एलिमेंट यूज करते हुए, क्योंकि हमने इसको बोल्ड भी करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको बोल्ड करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। कौन सा यूज करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग टैग, क्योंकि ये एक सेमेंटिक टैग है, इसका ब्राउजर को एक स्पेसिफिक मीनिंग पता है। मैं बी टैग यूज कर लूंगा, वो इसकी स्टाइलिंग एडजस्ट कर देगा, लेकिन ब्राउजर को उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग उसकी एडजस्ट हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये हमने ये करना है, और इसने यहाँ से मैं टेलीफोन नंबर कॉपी करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर एक ए टैग इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उसकी एच आर ई एफ में, ये टेल जो मैंने कॉपी किया था उसको करता हूँ और इसको इसमें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लास्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पता है कि क्या हमने करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि इस ए टैग को न्यू टैब में ओपन करने के लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है। यस, हमारे पास वो एट्रीब्यूट है टारगेट का, अंडरस्कोर ब्लैंक। मैं यहाँ पर इसे एंटर करके सेव करूंगा, ये न्यू लाइन में आ जाएगा, और इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा दो दफा, और अब सिर्फ मैंने यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज करना है ईमेल के साथ और ऑफिस एड्रेस के साथ। मैं यहाँ पर ईमेल कर दूंगा और यहाँ पर ऑफिस एड्रेस कर दूंगा, और बाकी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ इसे यहाँ से चेंज कर दूंगा, ईमेल वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ईमेल के लिए ये टेल नहीं होना चाहिए, मेल टू होना चाहिए, ये डिफरेंस है। टेलीफोन के लिए आप टेल यूज करते हैं, ये भी हमने कोर्स में पूरे में पढ़ा है। ईमेल के लिए मेल टू करते हैं, और सिंपल लिंक के लिए सिर्फ लिंक ऐड कर देते हैं, वो वैसे ही काम करता है। यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लूंगा और इसे लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस चीज को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, लिंक चेक कर लेंगे, लिंक सही है। यस, ये सिर्फ लिंक एक दफा ओपन करके, यस लिंक सही है। ओके, रिफ्रेश करके देख लेंगे, कॉन्टेक्ट अस पे आते हैं और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सही तरह शो हो रही है। इसी के साथ एक दफा मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को गो थ्रू कर लूंगा कि हमसे कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। हमने सबसे पहले लैंडिंग पेज में एक हेडिंग ऐड करनी थी, वो चेक कर लेते हैं, हेडिंग ऐड है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन में मूव कर देंगे क्योंकि हमने बाकी सारे पेजों पर इस पैटर्न को फॉलो किया। यहाँ पे मैं एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सॉरी, ओके, और इसमें इस हेडिंग को पेस्ट कर दूंगा एक। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा पॉइंट चेक हो गया। नेविगेशन लिंक्स चाहिए, वो हमने हर एक पेज में ऐड कर दिए, वो हमें नजर आ रहे हैं। नेविगेशन लिंक्स में क्या चाहिए था? पोस्ट का लिंक, ऐड पोस्ट का लिंक और कॉन्टेक्ट अस का लिंक, वो भी हमें नजर आ रहा है हर एक पेज पे। जब पोस्ट के पेज की बात की तो उसमें हमें ये टेबल चाहिए था इन ऑप्शंस के साथ। हम पोस्ट के पेज पे जाते हैं, हमारे पास वो टेबल है। मैं इसमें जो डाटा आइटम्स हैं उनको जरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा थोड़ा, ताकि हमारे पास जो डाटा है वो थोड़ा ज्यादा हो। मैंने इसको कुछ दफा कॉपी पेस्ट किया और हमारे पास डाटा आइटम्स ज्यादा हो। एडिट पे क्लिक करने पे हमने ऐड पेज पे लेके जाना था, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। यहाँ पर ऐड पेज पे लेके जाना था, वो भी हमारा काम कर रहा है। ऐड पेज पे हमने एक हेडिंग शो करवानी थी, वो हमने शो, वो अभी हमारा उसका टेक्स्ट नहीं सही, तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे सही कर दूंगा। फिर यहाँ से हम ऐड पे आए,
और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट सही कर देंगे और इसका टाइटल भी मैं सही कर दूंगा। ये ले, रिफ्रेश, अब ये सही है। ओके, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर टाइटल आ गया और उसके बाद ये सारी फील्ड है। यहाँ पर ये टेक्स्ट की है, ये ईमेल है, ये फाइल है, ये सिलेक्ट है, ये डेट टाइम है। ओके, ये डेट टाइम काम ही किया। डेट टाइम मैं शायद यहाँ पे डेट टाइम सेट करना भूल गया हूँ। ओके, रिफ्रेश, क्रिएटेड एट, इसको मैं अभी के लिए डेट सेट कर रहा हूँ क्योंकि जो डेट टाइम है वो हमें कैलेंडर नहीं दे रहा। इसको मैं जो डेट टाइम है जो हमारे पास, उसमें ये कैलेंडर नहीं मुझे दे रहा। मैं डेट टाइम लोकल ट्राई करता हूँ और इसमें ये हमें कैलेंडर दे रहा है। तो ये चीज़ काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा कि जो डेट टाइम है वो फील्ड हमें जो कैलेंडर है ये सिलेक्ट ऑटोमेटिक कैलेंडर ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं ये वाली फील्ड चाह रहा था ताकि हमारे पास हम डेट भी सिलेक्ट कर लें और टाइम भी एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लें कि किस डेट पे ये काम होना चाहिए, किस वक्त। तो ये मैं मेनली चाह रहा था यहाँ। लास्टली हमें एक चाहिए था चेकबॉक्स जो कि यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को अपडेट कर दूंगा कि ये चीज़ डेट टाइम लोकल होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक चेकबॉक्स और सबमिट और रीसेट बटन, ये हो गया। लास्टली हमने कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है और उस पर हमारे पास ये सेटिंग, ये तीन चीज़ें हमने कॉन्टैक्ट हेडिंग करनी थी और ये लिस्ट एक ऐड करनी थी। इसी के साथ हमारा एच टी एम एल फंडामेंटल्स का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। हमने एक प्रॉपर टेस्ट के साथ उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया। होपफुली आपको ये मॉड्यूल बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए इस मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा टैग, कौन सा टॉपिक था। इस मॉड्यूल में अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है और आप उसको लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको भी मेंशन करें, मैं उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो ऐड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इस तरह की और बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। नेक्स्ट हम CSS मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, CSS फंडामेंटल्स से। उसमें हम CSS के फंडामेंटल्स को अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करेंगे और उसके बाद लास्ट में जब हम CSS को स्टडी कर चुके होंगे तो हम अपने इसी प्रोजेक्ट को CSS यूज करते हुए स्टाइल करेंगे। तो ये जो जो हम काम करते जाएंगे एक मॉड्यूल में, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम उसी काम को और इन्हेंस करते जाएंगे, बेहतर बनाते चले जाएंगे ताकि हम जो हमारी फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.